So, students, hello, how are you today? I hope you are enjoying your day. I hope you are ready to learn a fantastic learning today because रट के नहीं समझ कर सिखाऊंगा, सबको बोलना सिखाऊंगा और जो शुरू से सीख रहे हैं उनको तो बोलना आ भी गया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं यस और नो। और जिन्हें प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स बताया भी करें कि सर मेरे को यहाँ पे इशू हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। सो आज का लेसन बहुत कॉमन सा आज का लर्निंग है, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया लेसन नंबर 75, दैट इज प्रिंट मीडिया 1, मतलब मीडिया 2 भी आने वाला है। तो प्रिंट मीडिया होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और प्रिंट मीडिया से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के लेसन में हमारे की लर्निंग्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रिंट मीडिया, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू रीड अ हेडलाइन, हेडलाइन कैसे पढ़ना चाहिए, हेडलाइन होता क्या है सबसे पहले और हेडलाइन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट फ्लायर्स की बात करेंगे, फ्लायर्स क्या होता है। नेक्स्ट ब्राउचर्स क्या होता है, पैम्पलेट्स क्या होता है, न्यूज़पेपर्स क्या होता है, फिर बात करेंगे न्यूज़पेपर की, कितने टाइप्स के न्यूज़पेपर्स होते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा मैगजीन सेक्शन कि मैगजीन क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के बारे में, फेसबुक या पत्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के बारे में, छुटका फुटका के बारे में नहीं। अब बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, और ये जो लर्निंग होगी हमारी एक शॉर्ट वीडियो की मदद से होगी, बुक एक्सरसाइजेस के थ्रू होगा, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू होगा, प्रेजेंटेशन, डिबेट, बहुत सारी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग सीखने वाले फैंटास्टिक सा लर्निंग, फैंटास्टिक सा लेसन, दैट इज प्रिंट। Students, here we are going to do something interesting in our today's question of the day. Question of the day is very important part of our learning because to every day we are learning a new topic, a fantastic topic, and we are being aware of new and current situation or current topics of today's life and today's world. So question of the day हमें करेंट ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराता है और ये कराता है कि हम कैसे नई चीज़ों के बारे में जानें। जनरल नॉलेज और जीके की बातें होती हैं, जनरल स्टडीज़ की बातें होती हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे में, डेली लाइफ की बारे में बात होती है, सो दैट्स रियली फैंटास्टिक, और हम रियल सिनेरियो पे बात कर पाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे, सो इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इज रिकैप, सो आज का रिकैप का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है, व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ, एक अच्छे पैराग्राफ, एसे, कंटेंट, रिपोर्ट, किसी भी चीज़ को या फिर किसी लेटर एप्लीकेशन के बॉडी की बात कर लें, तो उसका सबसे 5 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, गेस करो क्या होगा, व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ और एसे। सो लेट्स हैव अ लुक, फर्स्ट इज मेन आइडिया और टाइटल, नेक्स्ट इज ओपनिंग सेंटेंस, नेक्स्ट इज सपोर्टिंग डिटेल्स, जो बीच का पार्ट होता है डिटेल्स डालते हैं, लास्ट इज क्लोजिंग सेंटेंस। अब क्लोजिंग सेंटेंस लिखने के बाद जो हमारा 5वां स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें इंडेंट चेक करना है कि इंडेंट पैराग्राफ की जो मतलब फॉर्मेटिंग हुई है वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट थिंग इज पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एंड नेक्स्ट इज स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक को भी चेक करेंगे, और इसमें हम लोग कैपिटलाइजेशन को भी चेक करेंगे, कैपिटलाइजेशन, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। सो यू आर गोइंग टू टेल अस दैट व्हाई दीज 5 पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर पैराग्राफ और इन अ गुड पैराग्राफ, व्हाई दीज 5 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज योर टुडेज रिकैप क्वेश्चन, यस। So dear students, here we are going to talk about, before talking about anything, let's choose our listening cup. So सबसे पहले एक listening cup को हम लोग select करेंगे, जो देखेंगे कौन सा इसे सुन रहा है कौन सा इसे नहीं सुन रहा है, and because of gesture and words उनको decide करना है। Next thing, a very fantastic question for you,
Where do you get information and news? आप लोग को information and news कहाँ मिलता है? Please tell me. Where do you get information and news? Write in the comment section right now. जल्दी जल्दी comment section में बताइए अभी कि information और news आपको कहाँ कहाँ मिलता है. Where do you get information and news? So, maybe आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि TV पे. दूसरा आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया में क्या होता है? फेसबुक होता है. बहुत से लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं. इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत फेमस है. ट्विटर इंफॉर्मेशन के लिए बहुत से गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल जो लोग हैं वो लोग ट्विटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. नेक्स्ट थिंग जो है हमारा टीवी न्यूज चैनल्स हैं. टीवी न्यूज चैनल्स के अलावा जो हम लोग को मिलता है वो न्यूज़पेपर से मिलता है. किससे मिलता है? न्यूज़पेपर से मिलता है, मैगजीन से मिलता है, और यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑलरेडी, फ्लायर्स से मिलता है, ब्राउचर्स से मिलता है, पैम्पलेट से मिलता है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से मिलता है. तो ये पांच चीज़ें हैं जिससे हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलती है. अब ये जो टीवी से मिलता है या न्यूज़ चैनल से मिलता है इसको कहते हैं डिजिटल मीडिया. क्या कहते हैं? डिजिटल मीडिया या करंट मीडिया भी कहते हैं. इस वाले को कहते हैं जो मैंने नाम लिख दिया है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेवल में. एडवांस इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में और डिजिटल मीडिया के बारे में. आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल में, वो हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंट मीडिया का. किसकी बात करने वाले हैं? प्रिंट मीडिया की बात करने वाले हैं. प्रिंट मीडिया में हमारे आता है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स आता है, मैगजीन्स आता है, उसके बाद ब्राउचर्स आता है, फ्लायर्स आता है, पैम्पलेट्स आता है. तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं फ्लायर्स क्या होता है, ब्राउचर क्या होता है, पैम्पलेट्स क्या होता है. बहुत से लोग होर्डिंग्स भी नहीं जानते, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया. बैनर्स लगते हैं, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया. सो आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज द प्रिंट मीडिया एंड हाउ इट वर्क्स. सो वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम टॉपिक्स हियर. That is very very important, flyer. So if I talk about flyers, so let's talk about flyers first. तो ये तो समझ में आ गया सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया हम लोग बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग में बात करेंगे, मतलब कि इंटरमीडिएट एडवांस इंटरमीडिएट लेवल में बात करेंगे. अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्लायर्स की. मैं आपको बुक एक्सरसाइज के बाद डिटेल में डेफिनेशन वाइज ये बताऊँगा कि फ्लायर्स आखिर होता क्या है. तो फ्लाइज क्या होता है? A4 साइज़ का या फिर इससे छोटे साइज़ का क्या होता है? पेपर होता है, पेज होता है. अक्सर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते समय या फिर रोड पर कहीं जाते समय लोग फ्लाइज पकड़ाते हैं और आपको उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस या इंस्टीट्यूशन के बारे में. आई होप आपको मिलता है. और उसके बाद बात करते हैं लीफलेट की. फ्लाइज के बाद आता है हमारा लीफलेट्स. लीफलेट्स फ्लायर्स से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब फ्लायर्स से थोड़ा छोटा होता है. फ्लायर्स जो होते हैं हमारा कम से कम A4 साइज़ का होता है या इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन लीफलेट हमारा A4 साइज़ जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है उससे थोड़ा छोटा होता है और उसमें भी किसी पर्टिकुलर बिजनेस या इंस्टीट्यूशन के बारे में नॉलेज दी गई होती है. उसके बाद जो हमारा ब्राउचर आता है, एक ब्राउचर या फिर पैम्पलेट, यहाँ पे मैंने ब्राउचर पैम्पलेट दोनों लिखा है. तो ब्राउचर या पैम्पलेट जो होता है वो एक छोटी या पतली सी बुक टाइप होती है. अगर आपने एग्जामिनेशन दिया हो, एग्जामिनेशन से निकल रहे होते हैं, तो बहुत से स्कूल कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूशन वाले अपनी छोटी मतलब पतली सी 2 पेज की या 1 पेज की या 3 पेज की बुक टाइप का, बुकलेट टाइप का देते हैं, उसको ब्राउचर कहते हैं या फिर ब्राउचर कहते हैं. और ब्राउचर में ज़्यादा कंटेंट होता है इन कंपेयर ऑफ अदर थिंग्स. और पोस्टर्स के बारे में तो पहले ही मैंने बोला, पोस्टर्स बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं रोड्स पे और अब घर के आसपास, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बिजनेस के बारे में. सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें
चाहे फ्लायर्स हो, चाहे ब्राउचर हो, चाहे पैम्पलेट्स हो, तो ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, मैगजीन क्या होती है, कुछ वीकली मैगजीन होती है, कुछ मंथली मैगजीन होती है, कुछ ईयरली मैगजीन होती है। बस मैंने मम्मी मेरी पढ़ा करती थी प्रतियोगिता दर्पण, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होता था, तो मतलब वो भी एक तरह का मैगजीन था, वो एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को फॉलो करता। बहुत से ऐसे मैगजीन्स होते हैं जो फैशन को दिखाते हैं, कपड़े दिखाते हैं, डिज़ाइंस दिखाते हैं। इंडिया टुडे भी एक मैगज़ीन है जिसमें अक्सर लोगों का नाम आ जाता है तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं। फॉरेक्स वाले भी अपना एक मैगज़ीन निकालते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स आप बुक स्टॉल पर जाओगे तो आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ फ्लायर्स से लेकर के यहाँ मैगजीन तक, फ्लायर्स हो गया, ब्राउचर हो गया, पैम्पलेट्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, सारे के सारे किसका पार्ट है, दीज ऑल थिंग्स आर प्रिंट मीडिया। और इनके लिए जो काम करते हैं, इनमें जो इनके लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं जर्नलिस्ट। क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट इज अ पर्सन, इट कैन बी अ लेडी और मेल, मेल और फीमेल, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जर्नलिस्ट। सो जो काम करते हैं उनको जर्नलिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोफेशन है इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ कलेक्ट करने का या पिक्चर्स कलेक्ट करने का ताकि प्रिंट मीडिया को भेजा जा सके, तो वो चीज़ जो प्रोफेशन वाइज जो प्रोफेशन कहलाता है उस प्रोफेशन को कहते हैं जर्नलिज्म, उसको कहते हैं जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म एक प्रोफेशन हो गया और उस प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको जर्नलिस्ट कहते हैं। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चलिए चलते हैं अगले सेक्शन की। So, dear students, these all seven things are called print media, but they all, these all things have their own, means their own importance in print media. So, ये सारे अलग अलग प्रिंट मीडिया के रूप हैं, बट हर किसी का अपना एक रोल है, हर किसी का अपना एक पर्पस है इन प्रिंट मीडिया सेक्शन इन आवर लाइफ। प्रिंट मीडिया में तो है ही, साथ में हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल है। जाने अनजाने हम लोगों ने इन सब का इस्तेमाल किया है, जाने अनजाने हम लोगों की नज़र इन सातों चीज़ों पर पड़ी है, इन सातों टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया पर पड़ी है, और हमने इन सातों टाइप्स के प्रिंट मीडिया को पढ़ा भी है, समझा भी है, और इसके इससे बेनिफिट भी लिया है। सो बट स्टिल आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू, why do you use or read? आप क्यों use करते हो, इस्तेमाल करते हो या पढ़ते हो newspaper को? Second question, why do you use or read magazines? Magazines को क्यों पढ़ते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? Flyers को क्यों करते हैं, brochures को क्यों करते हैं, leaflets को क्यों करते हैं, pamphlets को क्यों करते हैं, posters को क्यों करते हैं? अगर आपको पता है then it's fantastic, otherwise I'm going to tell you now in the books exercise. इन बुक्स एक्सरसाइज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं बुक्स एक्सरसाइज के सेगमेंट में, देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है और इनका क्या रोल है। अदरवाइज आपका जो भी आंसर है फटाफट वीडियो को रोको अभी और राइट नाउ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करो, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यू विल कमेंट, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल राइट नाउ। सो प्लीज वीडियो को रोकें और जाके अभी कभी जल्दी जल्दी गए कि नहीं गए जल्दी जल्दी। So dear students, this is our today's lesson, Print Media 1, lesson number 75. And here we are going to start with newspapers. So very first category in print media, that is newspaper. Newspaper सबसे पहली category होती है जो भी print media होता है। अब newspaper भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरह का newspaper है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये डिफरेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं, लेकिन हर न्यूज़पेपर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, राइट इन कमेंट सेक्शन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ पेपर आर देयर, हाउ मेनी मिनिमम पार्ट्स आर देयर इन अ पेपर, हाउ मेनी मिनिमम पार्ट्स आर देयर इन अ पेपर, एक पेपर में मिनिमम कितने पार्ट्स होते हैं बताइए, सोचिए, लिख के आइए, वीडियो को रोकिए और अभी लिख के आइए। आई होप आपने आंसर कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज दैट इज फ्रंट पेज, उसके बाद एक बड़ा सा हेडलाइन होता है, हर दिन एक हेडलाइन बनता है और हर न्यूज़ का एक हेडलाइन होता है, तो हर न्यूज़ का भी एक हेडलाइन होता है और पेपर का भी एक बड़ा सा हेडलाइन बनता है। तो पेपर का हेडलाइन दिखे ना दिखे पर हर न्यूज़ का एक हेडलाइन आपको दिखेगा। इसके बाद जो पार्ट्स होते हैं इसमें स्पोर्ट्स का पार्ट होता है, एक पेज स्पोर्ट्स के लिए होता है, एक पेज होता है आपका
एडिटोरियल होता है, जिसमें एडिटर्स जो होते हैं, अच्छे एडिटर्स जो होते हैं, वो अपने थॉट्स, अपने कंटेंट्स राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं क्लासिफाइड। क्लासिफाइड बड़ा मज़ेदार होता है, मतलब लोग देखना ही चाहते हैं। कुछ पेपर्स में क्लासिफाइड्स कुछ ज़्यादा ही होता है, कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स होते हैं क्लासिफाइड्स के। तो क्लासिफाइड्स में क्या होता है, बेसिकली क्लासिफाइड्स में हमारे एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, ऐड होता है, खाली ऐड होगा, ऐड ऐड ऐड, और सिर्फ ऐड होता है, ठीक है। आपको अगर कोई भी ऐड देना है, एडवर्टीजमेंट देना है, तो वो न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड सेक्शन में आता है। फिर बात करते हैं अगला, जो बहुत ही मज़ेदार होता है, अक्सर लोग पिक्चर्स देखते हैं इंटरटेनमेंट पेज का, ठीक है। इंटरटेनमेंट के साथ साथ में आपके मूवीज़ का होता है, जिसमें मूवीज़ के बारे में होता है, बॉलीवुड हॉलीवुड के बारे में कुछ कंटेंट लिखे गए होते हैं। फिर होता है बिजनेस और फाइनेंस। बिजनेस और फाइनेंस वाला सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, बिजनेस की बातें होती है कि हाँ शेयर मार्केट कितना उठा कितना गया। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ पेपर में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है मौसम का, जैसे कि वेदर पेज होता है, जिसमें पूरे इंडिया का, पूरे देश का या फिर आपके स्टेट का वेदर होता है। नहीं तो मोस्टली पेपर वाले क्या करते हैं, एक साइड में एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं, वहाँ पे आज का जो टेम्परेचर है, आज का जो वेदर रहने वाला है, वो चीज़ डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, बिजनेस के लिए भी बहुत से न्यूज़पेपर्स में आपको एक छोटा सा कॉर्नर दिखेगा, उस कॉर्नर में वो लोग सोने का, चांदी का, गोल्ड और सिल्वर का भाव लिख देते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। सो नाउ डिस्कस विद योर पार्टनर यूजेज ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द पार्ट्स ऑफ अ न्यूज़पेपर, एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स यू नो। कितने पार्ट्स के बारे में आपको पता था और कितने पार्ट्स के बारे में आज आपको पता चला, ठीक है। और आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो और क्यों पढ़ते हो, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन, प्लीज़ आंसर इट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप तीन चीज़ों की, फ्लायर्स, पैम्फलेट्स एंड लीफलेट्स। फ्लायर्स, पैम्फलेट्स और लीफलेट्स, ये तीनों मतलब नाम अलग हैं पर बहुत हद तक सिमिलर हैं, सेम हैं, इसमें ज़्यादा फर्क, ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस नहीं होता है, लगभग चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्लायर्स। तो ये फ्लायर्स, पैम्फलेट्स और लीफलेट्स तीनों का ही इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट के लिए होता है। जैसे कि मैं स्टैम्फर्डिस भी अपने एडवर्टीजमेंट के लिए पैम्फलेट्स, लीफलेट और फ्लायर्स का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा जो बिज़नेस हाउसेज हैं, जो बिज़नेस वाले हैं, या फिर शॉपिंग मॉल्स हैं या मॉल्स वाले हैं, ये भी लीफलेट, पैम्फलेट्स और फ्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग देते रहते हैं जाते वक्त, आते वक्त। याद होगा आपको, कोचिंग जाते समय, कहीं जाते समय लोग आपको दे रहे हैं, आप आगे पास ऑन करते हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इसको पढ़ने का एक तरीका होता है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, दिस इज़ अ फ्लायर। तो व्हाट इज़ द फ्लायर अबाउट, ये फ्लायर किस बारे में है, बताइए फ्लायर किस बारे में है, पढ़िए इसको ध्यान से। हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस फ्लायर, इस फ्लायर में कौन इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा, बताइए। जिनके बच्चे नहीं होंगे वो इंटरेस्ट लेंगे, या बूढ़े लोग इंटरेस्ट लेंगे। हु वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस फ्लायर, इस फ्लायर में कौन इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्या जिनके छोटे बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सो थिंक अबाउट इट, आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, दिस फ्लायर। सो दिस फ्लायर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन से टोटली डिफरेंट फ्लायर है। और एक चीज़, नीचे www.stamfordist.in लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पे जाएं और डाउनलोड करें बुक, दिस इज़ आवर इंटरमीडिएट लेवल बुक। सो इंटरमीडिएट लेवल वाले सेक्शन में जाएं और डाउनलोड कर लीजिए इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्लायर अबाउट, ये फ्लायर किस बारे में है। हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस फ्लायर, इस फ्लायर में इंटरेस्ट कौन बंदा लेगा। और हु वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस फ्लायर, इस फ्लायर में इंटरेस्ट कौन नहीं लेंगे। तो ये चीज़ आपको आंसर करना है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, ये ब्राउचर है। अब देखिए, ब्राउचर फ्लायर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ये भी ऐसा ही होता है, पर इसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं। ब्राउचर्स जो होते हैं उसमें कुछ सेक्शन होता है, ब्राउचर में कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेक्शंस होते हैं कि हाँ इस पर में इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरे में रेट्स बताएंगे, तीसरे में लोकेशन बताएंगे, चौथे में अपने सीईओ या फिर अपने एक्सपर्टाइज के बारे में बात करेंगे। तो ये तीन चार पाँच छः सेक्शंस होते हैं, जितना महंगा, जितना ज़्यादा पैसे वाला बिजनेस
हाउस है वो उतना ज़्यादा महंगा ब्राउचर इस्तेमाल करते हैं। ब्राउचर्स आपको अक्सर मिला होगा अगर हमने कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया होगा या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए गए होंगे, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे होंगे तो कुछ कॉलेज वाले अपना ब्राउचर बांट रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपने लिया भी होगा, फेक भी दिया होगा मे बी। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ज़्यादातर फ्लायर्स पैम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज़ द ब्राउचर अबाउट, ये ब्राउचर किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या है ये, हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस ब्राउचर, इस ब्राउचर में कौन इंटरेस्ट लेगा, व्हाट इंफॉर्मेशन वुड बी देयर इन द ब्राउचर, ब्राउचर में क्या इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ओके, बाय द वे दिस इज़ अबाउट होटल, ये होटल के बारे में है। नाउ दिस सेक्शन मेन्यू, सो लेट्स हैव अ लुक, ये मेन्यू कार्ड है। आई होप आप लोग होटल्स में गए होंगे, खाया भी होगा, पिया भी होगा, मज़े भी किया होगा। तो होटल्स में आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है अक्सर, तो उस मेन्यू कार्ड में प्राइस भी होता है और जो चीज़ होती है उसका नाम भी होता है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम ऑन द मेन्यू, मेन्यू में सबसे मतलब महंगा आइटम क्या है, व्हाट इज़ द चीपेस्ट आइटम ऑन द मेन्यू, मेन्यू में सबसे सस्ता क्या है आइटम, प्लीज़ आंसर। What would be your order for a healthy meal including dessert for 2 persons, दो लोगों के लिए आप कौन सा मील ऑर्डर करोगे जो हेल्दी भी हो, दो लोगों के लिए भी ऑर्डर करना है। सो थिंक अबाउट इट, आंसर इट, ओके, एंड बी रेडी टू प्रेजेंट इन ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास। ये है नोटिस, अक्सर आपने स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के बाहर लगा हुआ देखा होगा, नोटिस लगता है। कोर्ट्स वाले भी, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी नोटिस लगाते हैं, पुलिस वाले भी नोटिस लगाते हैं। तो नोटिस का फॉर्मेट बेसिकली सेम होता है, और नोटिस का फॉर्मेट अलग अलग होता है, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन कि आप क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, इसके हिसाब से नोटिस का अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर नोटिस, देखिए यहाँ पर नोटिस में क्या है, बेसिकली बिजनेस आवर्स शो करना है इनका मेन मकसद, कि ये जो है कितने बजे तक ये वर्किंग है और इनका क्लोजिंग आवर क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, ये जो नोटिस है ये किस बारे में है, तो लीगल जर्नल नोटिस है, ठीक है। तो ये किस बारे में है तो आप बताओगे पढ़ने के बाद, इसको अच्छे से पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा। ऑन व्हाट डे इज़ द एसोसिएशन नॉट ओपन और वर्किंग, किस दिन एसोसिएशन जो है खुला नहीं रहता है या फिर बंद रहता है, व्हेन दे आर क्लोज फॉर लंच, कब वहाँ खाना नहीं मिलता है पर खुला रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऑफिसर्स आर क्लोज फ्रॉम नाउन टू 1 फॉर लंच, तो यहाँ पे लंच नहीं मिलता है 1 बजे, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, आई होप। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आजकल लोग मैगजीन्स उतना नहीं पढ़ते हैं, पर अभी भी जो अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी मैगजीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग तो पढ़ते थे मैगजीन बचपन में, अब तो इतना मोबाइल हो गया, लोग पढ़ते नहीं, लेकिन सही तरीका है, अगर आप सच में सही इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, सही इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो, तो यू शुड रीड मैगजीन। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं वो भी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैगजीन ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैगजीन है, हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन में कौन इंटरेस्ट लेगा, आई थिंक इट्स, व्हाट अबाउट यू, थिंक योर आंसर। सो ये होम, ब्यूटीफुल होम इंटीरियर के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू फाइंड इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, प्लीज़ बताएं, सोचें। अब ये लोग ज़्यादातर आजकल ना दो चीज़ों का मैगजीन ले रहे हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। दिस वन, हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस मैगजीन, तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जो लोग क्रिकेट फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन सक्सेस, IAS टॉपर्स के बारे में बात हो रही है, UPSC तैयारी के बारे में बात हो रही है इसमें। सो बताइए, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू फाइंड इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखो, कवर पेज देख के भी समझ में आ जाता है कि जो पर्टिकुलर मैगजीन है वो किस लिए है और उसका इस्तेमाल किस लिए हो सकता है और उसमें किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो पीपल दे आर सम करियर इन प्रिंट मीडिया कुछ करियर हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लाइक जर्नलिस्ट जो लोग न्यूज़ देते हैं, कार्टूनिस्ट कार्टून बना के देते हैं, आपने देखा होगा वो आज तक वाला बड़ा फेमस हुआ था कार्टून बना के, सो सॉरी वाला कार्टून, तो उस तरीके के कार्टून्स हर रोज़ पेपर्स में आते हैं, तो वो जो कार्टूनिस्ट होते हैं वही बनाते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं उनको कार्टूनिस्ट कहते हैं। फ़ोटो जर्नलिस्ट जो फ़ोटो खींच कर देते हैं प्रिंट मीडिया को छापने के लिए, उसको फ़ोटो जर्नलिस्ट कहते हैं। एडिटर जो न्यूज़ और मीडिया के फील्ड में जो टॉप
पोजीशन है उसको एडिटर की पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटर की पोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एडिटर की जो पोस्ट होती है वो सबसे टॉप पोजीशन हुआ। तो इन लोगों का काम मैंने बता दिया चारों का। इनका काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ आ रहा है जर्नलिस्ट, कार्टूनिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट के थ्रू, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, वेरीफाई करें, करेक्शन करें और सब करने के बाद छपने के लिए आगे फॉरवर्ड करें। बिना एडिटर के देखे हुए कोई भी न्यूज़ आगे फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन लोगों का क्या काम है इन वन सेंटेंस। जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। आई होप क्लियर है। लर्न मोर अबाउट करियर्स इन प्रिंट मीडिया बाय आस्किंग फैसिलिटेटर राइट इन ईमेल टू द स्टैम्प फॉर दिस करियर गाइडलाइंस। सो आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो, यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर, एंड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और आस्क इन जूम और ऑन ऑफलाइन क्लास, अप टू यू, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा काम होने वाला है। मेक एन एडवर्टीजमेंट और फ्लायर अबाउट द बुक दैट यू आर रीडिंग। आप लोग एक नॉवल पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, तो उसके लिए भी एक नॉवल बनाइए, प्लीज़ बनाइए जल्दी और शेयर कीजिए। जो अच्छा होगा वो हॉल ऑफ फेम में रखूँगा मैं। यस, नेक्स्ट लेसन इज प्रिंट मीडिया 2, उसमें सीखेंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए पहले समझ लेते हैं ब्राउचर, फ्लायर, पैम्पलेट वगैरह में, बैनर्स वगैरह में क्या फ़र्क होता है। वेल नाउ इन दिस कॉन्टेंट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्लायर्स, लीफलेट्स, ब्राउचर्स एंड पोस्टर्स। ये चार चीज़ें जो प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए और लोगों तक, मैक्सिमम नंबर ऑफ जनता तक पहुँचने के लिए, इसमें बेसिक फ़र्क क्या होता है। सो यू आर गोइंग टू रीड फ्लायर्स, लीफलेट्स के बारे में, ब्राउचर्स के बारे में एंड पोस्टर्स के बारे में। ये चार सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, 1, 2, 3, 4। तो ये चारों सेक्शन को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करनी है ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास, एंड यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये चारों को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, क्या डिफरेंस समझ में आया। जैसे कि फ्लायर का कॉमनली एज हैंडविल, हैंडविल के बारे में इस्तेमाल किया जाता है बिल के रूप में। लीफलेट इज़ कंसिडर्ड टू हैव अ बेटर डिज़ाइन एज अ कम्पेयर टू फ्लायर, से ज़्यादा बेटर डिज़ाइन लीफलेट में होता है, ठीक है। ब्राउचर नोन एज पैम्फलेट्स, ब्राउचर जो होता है जनरली पैम्फलेट्स होता है, ये कुछ इसमें फोल्डिंग्स भी हो सकती है, फोल्ड्स भी हो सकते हैं। पोस्टर्स तो बड़े पोस्टर्स हो जाते हैं। बाय द वे आप सारा पढ़ने जा रहे हो अच्छे से डिटेल में और एक्सप्लेन करने वाले हो डिफरेंस इन ऑल फोर थिंग्स। So please take a screenshot and read it carefully. If you don't understand meaning of any word, please ask me. Reach it to me and before reaching to me, search on Google too. So let's learn next lesson now, that is print media 2. So dear students, after books exercise, this is the last segment, and now you know that today is our reading program also. So please read the novel and make flyer for your own story or novel book. Please make a flyer for your own novel or story book, and after making it, collect or gather feedback from your friends that is it okay or is it not. Take feedback and then improve it. So my question, how did feedback help you to improve your design or idea? How did feedback help you to improve your design or idea? Can feedbacks improve help us to improve? अगर हम लोग को फीडबैक मिलेगा तभी तो इम्प्रूव करेंगे ना, बिना फीडबैक के इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग बहुत मतलब कि सोलो वर्कर होते हैं, टीम प्लेयर नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सेल्फ एरोगेंस से भरे होते हैं, वो दूसरों के फीडबैक नहीं लेते हैं और दूसरों का फीडबैक देते भी हैं तो उस पर काम नहीं करते हैं। पर बेस्ट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन वो है जो फीडबैक गैदर करे, कलेक्ट करे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। इवन मैं भी बीच बीच में आप लोगों से फीडबैक भी लेता हूँ, सजेशन भी लेता हूँ। अगर कोई फीडबैक या सजेशन है तो दीजिए, एंड प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल वर्क ऑन दैट। अगर मुझे लगेगा कि हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट तो श्योरली आई विल वर्क ऑन इट, आई इट्स माई प्रॉमिस। और मैंने कई स्टूडेंट्स के फीडबैक और सजेशन पे काम किया भी है पहले, और अगर कुछ नहीं होता है काम करने लायक तो उसके रीजन भी बताता हूँ मैं। सो हियर व्हाट, हाउ डिड फीडबैक हेल्प यू टू इम्प्रूव योर डिज़ाइन और आइडिया? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट, शेयर योर फ्लायर्स, प्लीज़ अपने फ्लायर्स शेयर कीजिएगा जो भी आपने बनाए हैं अपने स्टोरी या नॉवल बुक के लिए जो आप लोग पढ़ रहे हो अभी, ओके। सो नेक्स्ट थिंग पीपल, लेट्स टॉक अबाउट करियर, करियर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
सो पीपल हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तो मेन मकसद आखिरी मकसद यही होता है कि किसी तरीके से पैसे कमाया जाए, पैसा कमाना मकसद होता है। तो प्रिंट मीडिया क्या एक अच्छा ऑप्शन है करियर का? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी होती है एज ए जर्नलिस्ट आप काम कर सकते हो, एज ए फोटोग्राफर काम कर सकते हो, एज ए कंटेंट राइटर आप काम कर सकते हो, एज एन एडिटर आप काम कर सकते हो, एज अ रिसोर्स जर्नलिस्ट आप काम कर सकते हो। बहुत सारे पोस्ट होते हैं इन अ प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा भी है, बहुत ज़्यादा नाम भी है, इज्जत भी है और भी बहुत कुछ है। सो हियर वन क्वेश्चन, वेयर कैन यू लर्न मोर अबाउट करियर्स इन प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया में करियर है तो ये कौन कौन से करियर्स है, करियर्स के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल सकता है? अगर आपको पता है तो बताएं, वरना मैं बताऊंगा आपको ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में ऑन जूम, जहाँ करते हम मिलकर दूँ, क्योंकि रटना नहीं समझ के बोला सिखाता हूँ मैं, बिकॉज दिस इज स्टैम्फर्ड बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग। सो हियर लाइक करें इस वीडियो को अगर आपने को सीखा है, शेयर करें दोस्तों के साथ जो सच में सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप सीखना चाहते हो अगला फैंटास्टिक सा लेसन। आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेसन। तो चलिए सीखते हैं अगले लेसन की तरफ।